हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ये स्कूल। मेरा नाम है विपिन यादव, आपका बायोलॉजी टीचर। बच्चों, क्लास टेंथ में चैप्टर वन न्यूट्रिशन, जिसको हम लोग जैव विकास के अंतर्गत न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, पोषण तथा पाचन पढ़ रहे हैं। काफी कुछ हम लोग उसमें सीखते चले आ रहे हैं, आखिरी चरण में पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। और उसी दौरान जब हम लोगों ने पूरी आहार नाल पढ़ ली, तो आहार नाल अधूरी है पाचक ग्रंथियों के बगैर। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, जिनका यहाँ पर बहुत ही प्रोमिनेंट रोल है एंजाइम सिक्रीशन में, यानी रासायनिक पाचन में। आपको पता है कि पाचन दो प्रकार का होता है, भौतिक पाचन और रासायनिक पाचन। तो जो रासायनिक पाचन है बेटा, वो एंजाइमों के द्वारा होता है। और हर एक पदार्थ के, हर एक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जो कुछ भी है, हर एक पदार्थ के पाचन के लिए एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है। एक एंजाइम एक प्रोटीन, ऐसा करके एक थ्योरी है वो बीडल तथा टॉटम की। फिलहाल हम लोग ये जानेंगे यहाँ पर क्या कि पाचक ग्रंथियां, क्लास टेंथ लेवल पे बात कर रहे हैं हम लोग कि पाचक ग्रंथियां जो है क्या होती हैं और कैसे वो काम करती हैं। आपको पता है कि हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा और समझा कि अग्न्याशय जो है वो मिश्रित ग्रंथि होती है। अग्न्याशय में जो है एंजाइम और हार्मोन दोनों होते हैं। बच्चों, पाचक ग्रंथियां समझना है हमें डेफिनेटली, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक चीज और समझ लो, ग्रंथियां। अगर ये चीज आपको पता कि हमारे शरीर में अलग अलग तरीके की ग्रंथियां यानी ग्लैंड्स होती हैं। अब ग्लैंड्स की डिफाइन कैसे करेंगे, परिभाषा कैसे लिखेंगे, विज्ञान का सबसे बड़ा जो हमारे लिए एक टारगेट होता है, जो हमारे लिए एक कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होती है हमारे अपनी अंतर्मन से, वो ये होती है कि किसी भी शब्द को परिभाषित करना, कैसे परिभाषा लिखेंगे। ग्रंथियां, तो बेटा आपको देखो मैं बताऊं, ग्रंथियां टिश्यू होता है, ऊतक होते हैं, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं के समूह। तो ग्रंथियां ऐसे ऊतक, ऊतक कहते हैं इनको, जिनसे किसी भी प्रकार के पदार्थ का श्रवण हो रहा हो। तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनसे किसी प्रकार के पदार्थ का श्रवण होता है, उसे हम लोग ग्रंथियां कहते हैं। देखो परिभाषा बनी, फिर से देखो, कोशिकाओं का समूह, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं ऊतक, ऐसे ऊतक जिनसे किसी भी प्रकार के पदार्थ का, तरल पदार्थ का श्रवण होता है, ग्रंथियां कहलाती। देखिए मैं आपको बता दूं, ग्रंथियां जैसे लैक्राइमल ग्लैंड्स, आपको पता है हिंदी में अश्रु ग्रंथियां कहते हैं इन्हें। तो अश्रु ग्रंथियां, लैक्राइमल ग्लैंड्स जो है, उनसे आंसू बनते हैं, अश्रु का श्रवण होता है। सेलेवरी ग्लैंड, जिसको हम लोग लार ग्रंथियां कहते हैं, इनसे लार का श्रवण होता है कि नहीं। तो ऐसे कुछ ये एग्जाम्पल हैं ग्रंथियों के, जैसे अश्रु ग्रंथियां हो गई, लार ग्रंथियां हो गई, पाचक ग्रंथियां हो गई, है ना बेटा, ठीक है। लेकिन अगर ग्रंथियों को बांटा जाए दो विशेष समूह में, ग्रंथियों की परिभाषा आपको पता है, कोशिकाओं का समूह जिनसे किसी भी प्रकार के पदार्थ का श्रवण होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स विच सीक्रेट सम मटेरियल इज नोन एज ग्लैंड्स। ग्रुप ऑफ सेल्स विच सीक्रेट समथिंग लिक्विड मटेरियल और एंजाइम और हार्मोन इज नोन एज ग्लैंड्स। आप एंजाइम और हार्मोन को भी वहां पे डिफाइन कर सकते हैं। बेटा देखिए, ग्रंथियां जो है, अगर पूरे शरीर की ग्रंथियां हैं तो उनको हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। पहली जो बांटेंगे वो है हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां। बताने का सेंस देखिए, मैं चाहता हूं, मेरा हमेशा से एक ही लक्ष्य रहा है और वो ये है कि जब कभी भी हम विज्ञान पढ़ रहे हो, रास्ते में जितनी रुकावटें आए, चाहे वो एक ये छोटा सा वर्ड ग्रंथियां ही क्यों ना हो, उसको एट दैट टाइम, उसी समय अगर आप सॉल्व करने का यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो समझ लीजिए आगे चल के रुकावटें कम आएंगी। हर एक चीज को, छोटी से छोटी बात को अगर हम लोग डिफाइन करते रहेंगे अपने विज्ञान की क्लास में, तो इससे क्या है कि आपको काफी कुछ जो नॉलेज है आपकी, वो काफी कुछ उसमें वृद्धि होगी, विकास होगा। तो बेटा ग्रंथियां जो है वो आप दो तरीके से बांट सकते हैं, या आप कह सकते हैं ग्रंथियां दो प्रकार की होती है, अंतःस्रावी और बहिस्रावी। इन इंग्लिश एंडोक्राइन ग्लैंड्स, CRINE, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, CRINE। तो बेटा देखो, यहां पर अंतःस्रावी ग्रंथियां और बहिस्रावी ग्रंथियां, इनको एक और नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है इसको? दिया गया है नलिका विहीन ग्रंथियां, अर्थात डक्टलेस ग्लैंड्स।
इनके पास खुद की पाइपलाइन नहीं होती, और भी कुछ सेंसिबल चीजें जो हम लोग इसमें सीखेंगे। और जो बहिस्रावी ग्रंथियां हैं ये नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं, नलिका युक्त ग्रंथियां, और नलिका युक्त को आप लिख सकते हैं डक्टेड ग्लैंड्स। अंग्रेजी की राइटिंग यूपी बोर्ड के हिसाब से मेरी कर्सिव नहीं आती है, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। तो नलिका विहीन ग्रंथियां मतलब इनके पास खुद की कोई पाइपलाइन नहीं होती, किसके पास, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास। अतः इनको शरीर में घूमने के लिए पाइपलाइन है नहीं, अतः इनको शरीर में घूमने के लिए जरूरत पड़ती है किसकी, रुधिर की, ब्लड। ब्लड आपको पता है कमाल की चीज ईश्वर ने बनाई है, बहुत ही कमाल, रक्त, रुधिर, खून, ब्लड, जो भी आप समझो, कमाल की चीज यह बनाई कि हार्मोन, ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जिनको हम नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं, इनसे स्रावित होने वाले पदार्थ रुधिर के माध्यम से संपूर्ण शरीर में भ्रमण करते हैं और लक्ष्य अंगों, टारगेट ऑर्गन पर कार्य करते हैं। बेटा अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं इनसे हार्मोन बनते। देखो यहां पर एक चीज तुमको और समझ में आ रही है, वो ये है कि हार्मोन रुधिर में घूमते हैं। देखो कितनी कमाल की होती है, हार्मोन जो भी हमारे शरीर में बनते हैं उनको शरीर में घूमने के लिए, प्रवाहित होने के लिए रुधिर की सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि वो नलिका विहीन ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, ऐसी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं जिनमें नलिकाएं या जिनमें अपना खुद का ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। अब चलो समझते हैं बहिस्रावी ग्रंथियां जिनको हम लोग नलिका युक्त ग्रंथियां कहते हैं। इनसे आपको मैं एक मोटी सी बात बताता हूं, एंजाइम बनते हैं। एंजाइम को हिंदी में बेटा विकर कहते हैं। वैसे मैं बताता हूं कि जब किसी भी नाम, बायोलॉजी में हम देखते हैं किसी भी नाम के आगे अगर एज प्रत्यय लग जाता है, सफिक्स लग जाता है एज, तो आप ए एस ई, अगर ऐसा कोई सफिक्स कहीं पर लग जाता है, ऐसा कोई प्रत्यय लग जाता है, तो समझ लो ये एंजाइम का नाम है। प्रोटीएज, लाइपेज, इस तरीके के कुछ इसके एग्जाम्पल है। हाँ बेटा बहिस्रावी ग्रंथियां, देखो मैं कमाल की बात बताने वाला हूं कि जो बहिस्रावी ग्रंथियां हैं वो नलिका युक्त ग्रंथियां होती, और उससे भी ज्यादा कमाल की बात, एंजाइम जिस अंग में काम करते हैं वहीं पर बनते हैं। एंजाइम जिस अंग में कार्य करते हैं वहीं पर बनते हैं, जबकि हार्मोन बनते कहीं और है और काम कहीं और करते हैं। देखो कमाल की बात है, हार्मोन बनते कहीं और है और काम कहीं और करते हैं। एंजाइम जिस अंग में बनते हैं वहीं पर कार्य करते हैं। एग्जाम्पल देखो, अश्रुग्रंथियां, अश्रुग्रंथियां यहां आंखों के पास पाई जाती हैं, यहां पर ऐसे, और यहां पर नाक की जड़, तो ये जो अश्रुग्रंथियां आंसू का श्रवण बस यही आंखों में करती है। लार ग्रंथियां मुख में पाई जाती है, पैरोटिड सब लिंगुअल सब मैक्सिलरी, यहां लार ग्रंथियां जो है हमारी कर्णमूल, अधो हनु, अधो जिह्वा ग्रंथियां यहीं पर पाई जाती है मुख में, और मुख में ही जो है लार का श्रवण करती है। यकृत में छोटी सी पाइपलाइन पा गई, उसके बाद में पित्ताशय जो है हमारा उसमें पित्तरस इकट्ठा होते रहा और छोटी आदमी गिर गया। जो जठर ग्रंथियां हैं उसमें जठर की जो लाइनिंग है, अमाशय की जो लाइनिंग है, वहीं से एंजाइम स्रावित होते हैं और वहीं पर कार्य करते हैं। एंजाइम जिस अंग पर बनता है, जिस अंग में बनता है, लगभग लगभग वहीं पर कार्य करता है, इसे ज्यादा दूर भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं, तो इसको इसकी भी हमारे रुधिर की भी आवश्यकता नहीं है। रुधिर का बेटा देखो काम हमारे शरीर में होता है ट्रांसपोर्ट करना, क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। एक बहुत ही खूबसूरत शहर है जिसका नाम है वेनिस, और यूपी बोर्ड में और आईसीएसई बोर्ड में मर्चेंट ऑफ वेनिस करके एक किताब भी चलती है इंग्लिश में, है ना, तो अंग्रेजी में बेटा तो वेनिस में हमने सुना है शायद कि वहां पर जो पूरा का पूरा शहर है वो पानी पर बसा है, लोग नाव से आते जाते हैं, और कोई किसी भी तरीके का, बच्चे स्कूल भी नाव से जा रहे हैं, पापा सब्जी लेने भी नाव से जा रहे हैं, मम्मी सहेली के यहाँ वो भी नाव से जा रही हैं। उसी तरीके से इमेजिन करो कि हमारे पूरे शरीर में जो है एक तरीके से ऐसा ही ट्रांसपोर्ट मीडियम है, जो कुछ भी हमने खाया अवशोषित हुआ वो रुधिर में फेंक दिया गया, रुधिर में टहल रहा है, जिस सेल को जिस चीज की जरूरत है वो निकाल लिया, जो फेंकना है वो उसी ब्लड में फेंक दिया। एक पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो लगातार पूरी बॉडी में घूम रहा है, बह रहा है, जिसको जो चीज देनी है उसे दे रहा है, जिससे जो चीज लेनी है उससे ले रहा है, इस तरीके से पूरी बॉडी का ट्रांसपोर्ट मेंटेन कर रहा है। कौन मेंटेन कर रहा है, ब्लड, सारी सेल्स इसी में घूम रही है, इम्यूनिटी इसी से मेंटेन हो रही है, क्योंकि इम्यूनिटी का काम होता है डब्ल्यूबीसी का, किसका होता है बेटा, डब्ल्यूबीसी का। फिलहाल आज के लिए, अभी के लिए हमें यह जानना है कि ग्रंथियां दो प्रकार की होती है, अंतःस्रावी और बहिस्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन बनते हैं, ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, अर्थात हार्मोन को संपूर्ण शरीर में घूमने के लिए रुधिर की सहायता लेनी पड़ती है, या हार्मोन को संपूर्ण शरीर में भ्रमण करने के लिए रुधिर सहायक होता है। बहिस्रावी ग्रंथियां डक्टेड ग्लैंड्स होती हैं, नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं, इनसे एंजाइम बनता है
और एंजाइम रुधिर में मिलता नहीं है। जिस अंग में एंजाइम क्रियाशील होता है, कार्यरत होता है, लगभग उसी अंग में एंजाइम का निर्माण होता है। जैसे अश्व ग्रंथियों का, लाल ग्रंथियों का कार्य आप देख लो, लिवर का कार्य देख लो, अमाशय का कार्य देख लो, जहां पर एंजाइम बनता है वहीं पर कार्य करता है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ग्रंथियों की परिभाषा क्या होती, कोशिकाओं का समूह जिससे किसी प्रकार के तरल पदार्थ, हार्मोन या एंजाइम का निर्माण होता है वो ग्रंथियां कहलाती है। बेसिकली ग्रंथियां जो है वो भी एक तरीके के ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं। अब टिश्यू आपको पता है ग्रुप ऑफ सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सिमिलर फंक्शन। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो एक समान कार्य करता है ऊतक कहलाता है। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो एक समान कार्य करता है ऊतक कहलाता है। अच्छे से याद कर लीजिए, ग्रुप ऑफ सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सिमिलर फंक्शन, सेम फंक्शन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। बेटा ग्रंथियां अच्छे से लिख लो, फिर हम लोग चलने वाले हैं पाचक ग्रंथियां। आपको पता है पाचक ग्रंथियों से क्या बनेगा, एंजाइम। तो मैक्सिमम जो बात हम लोग करने वाले हैं वो किसकी करने वाले हैं, बहिस्रावी ग्रंथियों की। किसकी बात करने वाले हैं, यानी पाचक ग्रंथियों से क्या बन रहा है, एंजाइम। और एंजाइम बन रहा है तो वो ग्रंथियां किसकी श्रेणी में आने वाली, बहिस्रावी। केवल एक ग्रंथि है जो मिश्रित है, इसका नाम है अग्न्याशय। जानते हैं कैसे बच्चों, पाचक ग्रंथियों में देखिए, हम लोगों ने एक छोटा सा बहुत ही आसान सा फ्लोचार्ट बनाया है। इतनी ग्रंथियां, ये सहायक ग्रंथि, जिसे लाल ग्रंथि है, मुख्य पाचक ग्रंथि नहीं, आप इसको कह सकते हो कि ये सहायक ग्रंथि है, ये थोड़ी सी सहायता करती है। और सहायक ग्रंथि क्यों है, क्योंकि इसकी जो लार है, लार ग्रंथियां तीन प्रकार की हैं, कर्मूल, अधोहनु, अधोजिह्वा। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है पाचन का, आपने आहार नाल को डिस्क्राइब किया, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, उसका अगर दो मिनट का टाइम निकाल के आप पाचक ग्रंथियों को भी डिस्क्राइब कर देते हैं अपनी कॉपी पे, या ऐसा टीचर पूछता है पाचक ग्रंथियां क्या है बेटा, तो आप कहोगे कि ग्रंथियां कोशिकाओं का ऐसा समूह होता है जो पाचक रस स्रावित करता है, उन्हें पाचक ग्रंथियां कहते हैं। जैसे लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां तीन प्रकार की होती है, कर्मूल, अधोहनु, अधोजिह्वा। मैंने बताया है आपको कि हर एक दो दो, यानी एक एक जोड़ी होती है, तो टोटल लार ग्रंथियां हो गई तीन जोड़ी। और लार ग्रंथियों का काम होता है लार का श्रावण करना। अब जो लार है वो 1.5 लीटर, यानी लगभग 1.5 लीटर प्रतिदिन, 24 घंटे में, या प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर हमारी मुख गुहा में लार का श्रावण होता है। और उसके बाद में इस लार में जल, जल के बाद में सोडियम, पोटेशियम, और फिर इस जल में, इसमें जल में सोडियम पोटेशियम के ग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट, टार्कोलेट। मैं इसलिए बता रहा हूं बेटा कि आप थोड़ा सा इसको लिखो कॉपी पे, याद करो, अच्छा लगेगा। सोडियम पोटेशियम के ग्लाइकोलेट, टार्कोलेट, ऑक्सलेट, इस तरीके के आयन होते हैं। पाचक एंजाइम दो होते हैं, मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, कौन कौन से, टाइलिन और लाइसोजाइम। आप कॉपी पे अच्छे से लिखिए, फिर से सुनिए कि लार ग्रंथियों द्वारा प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर लार का श्रावण होता है मुख गुहा में, प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर लार का श्रावण होता है। लार में जल, सोडियम पोटेशियम के ग्लाइकोलेट, टार्कोलेट और आदि आयन होते हैं। लार में मुख्यतः टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। लार भोजन को लसदार और निगलने योग्य बनाती है। लाइसोजाइम एंजाइम जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। टाइलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, इसीलिए सूखी रोटी चबाने पर, ब्रेड चबाने पर मीठी लगती है। कई बार क्वेश्चन से पूछ लेते हैं कि ब्रेड चबाने पर मीठी लगती है क्यों, क्योंकि हमारी लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम ब्रेड में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, जिस कारण, और माल्टोज में बदलने के कारण जो है, माल्टोज एक तरीके का डाइसैकेराइड है जो जल में घुलनशील और स्वाद में मीठा होता है। देखिए यहां पर एक चीज समझिए कि जो हमारे मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड, इसके बाद हम लोग पोषक पदार्थों के बारे में ही बात करने वाले हैं, तो जो हमारा माल्टोज है वो डाइसैकेराइड है, जो स्टार्च है उसको माल्टोज बदल देता है। कौन बदल देता है बेटा, टाइलिन। लाइसोजाइम क्या करता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है। इतना ही काफी है डिटेल। लार ग्रंथियों, लार, लार क्या करती है, लार का कार्य क्या होता है, तो लार जो है भोजन को लसदार और निगलने योग्य बनाती है। मुख गुहा को लगातार साफ करती रहती है, धुलती रहती है, नम बनाए रखती है, भोजन को निगलने में सहायता करती है, ठीक है बेटा, आहार नाल को नम बनाए रखती है। कई सारे कार्य होते हैं लार ग्रंथियों के, ये कुछ पॉइंट्स जो आप लिख सकते हो। अगली बात करते हैं यकृत की। यकृत से आपको पता है, मैंने एक बड़ी सी बात लिख दी, पित्त रस का श्रावण करना। आपको पता है कि पित्त रस में किसी भी प्रकार के
एंजाइम नहीं होते हैं, फिर भी ये पाचन में बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भोजन की अम्लीयता को समाप्त करता है। मैंने आपको बताया है कि यकृत से जो पित्तरस बनता है वो हमारी डेड और वार्न आउट आरबीसी के कंपोनेंट यानी आरबीसी के घटक, लाल रुधिराणुओं के घटक से बनता है पित्तरस। और इसमें क्या होता है? बिलरुबिन बिलवर्डिन, बिलरुबिन बिलवर्डिन, ये दो पित्त रंगा होती है जिस कारण पित्त का एक स्पेसिफिक कलर होता है। और ये जो बनते हैं किससे बनते हैं? आरबीसी से बनते हैं बेटा। अच्छा, यकृत के बारे में कुछ खास बातें। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी लिवर, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। वजन लगभग इसका 1.5 किलो होता है, 1.5 केजी। कलर चॉकलेटी भूरा। स्थिति कहां होती है? उदर गुहा में, अमाशय के ऊपर, डायाफ्राम के नीचे। मैंने आपको बताया यहां पर एक पर्दा होता है जिसको डायाफ्राम कहते हैं, वक्ष गुहा और उदर गुहा को अलग अलग करता है। ये जो डायाफ्राम है, जो तंतुपट है, उसके नीचे लिवर स्थित होता है। तो लिवर क्या करता है? लिवर उदर गुहा में स्थित होता है ऊपर की तरफ। 1.5 केजी लिवर का जो यकृत है उसका वजन होता है, चॉकलेटी भूरा रंग होता है। एक तार लिखा हुआ है पित्तरस का श्रावण। मैंने कहा है कि जब हम लोग शिशु अवस्था में होते हैं, जब हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं, आपको पता है खून का निर्माण हड्डियों में होता है, लेकिन जब हड्डियां कमजोर है तब खून कहां बनेगा? लिवर में बनेगा। यानी जब हम लोग शिशु अवस्था में होते हैं, हमारी हड्डियां कमजोर होती, उस दौरान लिवर सहायता करता है रुधिर के निर्माण में। इसके अलावा जो कुछ भी हमारे रुधिर में अपशिष्ट पदार्थ आते हैं, यानी रुधिर की शुद्धता का भी काम करता है। रुधिर की शुद्धता का भी काम करता है कौन करता है? लीवर। एक बड़ी कॉमन सी चीज आपने सुनी होगी कि अल्कोहल का सेवन करने से लीवर का वर्कलोड बढ़ जाता है, लीवर का जो कार्य है वो बढ़ जाता है। तो ये आप जान लो अच्छे से कि रुधिर की शुद्धता का कार्य, रुधिर की शुद्धता की जिम्मेदारी भी जो हमारी डेड यानी मृत आरबीसी होती है उनको तोड़कर समाप्त करता है। तो इस तरीके से आप ये भी लिख सकते हो कि मृत आरबीसी को ही समाप्त करके, ठीक है। उसके अलावा देखो बेटा, शरीर में आपको पता है कि हमारे शरीर में पाचन होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। हमारे शरीर में पाचन होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, लेकिन जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उस ग्लूकोज को स्टोर कर लिया जाता है ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में? ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन का जो संग्रह है, ग्लाइकोजन का संग्रह, और ग्लाइकोजन बनता किससे? ग्लाइकोजन बनता है ग्लूकोज से। मैं कुछ 2-3 पॉइंट इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लिखो पेपर में, एग्जाम में, तो टीचर को पढ़ के अच्छा लगे कि हाँ ठीक है। तो ग्लूकोज को कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन में संग्रह कहां होता है? यकृत में। इसलिए अगर हम 1-2 दिन फास्टिंग पे रहते हैं, 1-2 दिन व्रत रहते हैं तो समझ में नहीं आता, सुबह से काम में व्यस्त रहते हैं या स्कूल चले जाते हैं, खाना भूल जाते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कि जब अच्छा भूखे हैं आज पता नहीं चल पाया। लेकिन अगर उसी जगह व्रत 2-3 दिन रहना हो तो उसमें हमको समझ में आता है वर्कलोड हमारा, हमें शरीर में जो है कमजोरी लगती है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज का लेवल डाउन होने लगा। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके, परिवर्तित करके संग्रह कहां होता है? यकृत में होता है। और इसीलिए जो हमारा ये ग्लाइकोजन है इसको जंतु स्टार्च कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमल स्टार्च। भाई प्लांट में तो स्टार्च होता ही है जो हम लोग खाते हैं, एनिमल हमारे शरीर में। इसीलिए लोग कहते हैं कि लीवर, जो लोग नॉन वेजिटेरियन कहते हैं लीवर खाओ, लीवर में बड़ी पौष्टिक चीजें होती हैं, तो ऐसा नहीं है, केवल ग्लाइकोजन ही होता है जिसका संग्रह होता है लीवर में, और उससे क्या मिलता है हमको? ग्लूकोज मिलता है। रुधिर की सफाई करता है, चॉकलेटी भूरे रंग का होता है, पित्तरस का श्रावण करता है, पित्तरंगा मैंने नाम लिख दिया, बिलरुबिन और बिलवर्डिन, ठीक है बेटा। यकृत का जो पित्तरस है उसमें किसी भी प्रकार के एंजाइम नहीं होते, या केवल भोजन की अम्लीयता को समाप्त करता है। आगे चलते हैं अग्न्याशय की तरफ। अग्न्याशय आपको पता है पत्ती नुमा संरचना होती है, अग्न्याशय पत्ती नुमा संरचना होती है जो यकृत के नीचे स्थित होती है। जब हम लोग बनाते हैं तो देखिए ऐसे बनाते हैं कि ये हमारा लीवर हो गया, फिर उसके नीचे ये अग्न्याशय हो गया ऐसे, फिर उसके यहाँ पर जो है इस तरीके से स्टमक हो गया, मतलब ऐसा प्रोटोटाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यकृत के नीचे जो है अग्न्याशय स्थित होता है, पत्तीनुमा संरचना। अग्न्याशय इकलौती मिश्रित ग्रंथि है जिसका 80-85% भाग जो है वो बहिश्रावी होता है, यानी मैक्सिमम पार्ट जो है वो एंजाइम बनाता है, और उसमें अग्न्याशयी रस कहते हैं। अग्न्याशय से जो बनता है उसको अग्न्याशयी रस कहते हैं, और इसी अग्न्याशयी रस में विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं। 80-85% पार्ट जो है वो उसका एक्सोक्राइन होता है, किसका? अग्न्याशय का। 20% पार्ट जो है अंतःस्रावी होता है। इसी से आपको पता है कि इंसुलिन हार्मोन बनता है,
आपको पता है अंतःस्रावी भाग जो है लैंगर हैंस की दीपिकाएं, अंतःस्रावी भाग जो होता है उसको हम लोग लैंगर हैंस की दीपिकाएं कहते हैं, जिसमें अल्फा बीटा और डेल्टा सेल्स होती, गामा नहीं, अल्फा बीटा गामा नहीं, अल्फा बीटा डेल्टा सेल्स होती, जिनसे इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टैटिन तरीके के हार्मोन बनते हैं। फिलहाल यहाँ पर ये जान लो एक छोटी सी बात, क्योंकि ये हाई स्कूल के लेवल पे कई बार पूछा गया है कि जो इंसुलिन है, इंसुलिन का निर्माण अग्न्याशय से ही होता है, कहाँ से होता है, लैंगर हैंस की दीपिकाएं, लैंगर हैंस की दीपिकाएं कि बीटा कोशिकाओं से। तो लैंगर हैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन बनता है, यही इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है, और यही इंसुलिन हार्मोन डायबिटीज को रोकने में भी कार्य करता है। छोटी छोटी, मैं केवल छोटी छोटी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको। तो लाल ग्रंथियां हो गया या बच्चों, बहुत छोटी छोटी जो हम लोग बातें कर रहे हैं कि जैसे लाल ग्रंथियां देखिए 1.5 लीटर प्रतिदिन श्रावण करती हैं, पाचन करती हैं, यकृत है उससे पित्तरस बनता है, ग्लाइकोजन का संग्रह यकृत में ही होता है, और रुधिर की शुद्धिकरण भी यकृत के द्वारा होती है, शिशु अवस्था में रुधिर का निर्माण भी यकृत के ही द्वारा होता है। अग्न्याशय मृश्चिक ग्रंथि है जिसका मैक्सिमम पार्ट बहिस्रावी होता है, लगभग 80 से 85% भाग जो है वो बहिस्रावी होता है, 20% भाग जो है वो अंतःस्रावी होता है, जिससे हार्मोन बनते हैं। फिलहाल मैंने आपको केवल एक हार्मोन बनाया है, इंसुलिन। इंसुलिन क्यों? क्योंकि 10th लेवल पर थोड़ा सा जरूरी है। लैंगर हैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का निर्माण होता है। बात कर रहे हैं जठर ग्रंथियों की, तो आपको पता है कि मैंने आपको कई बार बताया अमाशय को ही बेटा जठर कहते हैं, तो अमाशय की दीवार पर जो है जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनसे जठर रस बनता है। आपको पता होना चाहिए कि इसमें एंजाइम और HCL होता है। HCL जो है सारे के सारे भोजन को अम्ली बना देता है, इसको यहाँ पर आप तीव्र अम्ल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका pH वैल्यू 0.8 कहीं पर लिखा होता है, कहीं पर 1.2 से 1.4 अलग अलग बुक्स में, वैसे 10th में आप 1.2 से 1.4 ही लिखोगे। HCl एक तीव्र अम्ल होता है जिसका pH मान 1.2 से 1.4 होता है। यह भोजन में उपस्थित ऐसे पदार्थ जिनका पाचन संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक पदार्थ पर ही काम करेगा, उसके अलावा भोजन के किसी भी कंपोनेंट पे काम नहीं करेगा। तो इस दौरान क्या है कि HCl वो भूमिका निभाता है कि कुछ ऐसे अपाच्य पदार्थ, कुछ ऐसे पदार्थ जिनका पाचन नहीं हो पा रहा है, उन पदार्थों को निपटाने का, उन पदार्थों को पाचन करने का काम किसके पास आ जाता है, हमारे HCl के पास। तो जठर ग्रंथियां जो है उसे जठर रस बनता है, और जठर रस एंजाइम और HCl का मिश्रण होता है, ठीक है बेटा। तो और दूसरी चीज क्या है कि जो एंजाइम बन रहा है उसमें बेसिकली प्रोटीन पाचक एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन, रेनिन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले एमाइलेज की फैमिली, वसा का पाचन करने वाले लाइपेज की फैमिली, ये सब हम लोग इसके पहले वीडियो में देख चुके हैं। तो ये सारी चीजें जो है इसमें होती हैं, जो हमारा वसा जो हम लोगों ने खाया उसका इमल्सिफिकेशन भी इसी दौरान होता है, जिसमें पित्तरस वगैरह भी काम करते हैं। 10th लेवल पे आप अगर पाचक ग्रंथियां लिख रहे हो, और अगर ये फ्लो चार्ट बना के अच्छे से, मुझसे ज्यादा अच्छे से बनाइएगा, और सारी डिटेल लिख रहे हो, तो वो काफी फेवरेबल है आपके मार्क्स गेन करने का। अब हम लोग जानेंगे कि पोषक पदार्थ, पोषक पदार्थ में बेसिकली विटामिन जो है कितने प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसका हमारा मेन टारगेट ये है कि केवल सिलेबस को ध्यान में न रखा जाए, सिलेबस के साथ साथ सारी चीजें जो हमारे आसपास या हमारे लिए जरूरी हैं, उस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, उस सिलेबस में आए क्वेश्चंस से फाइट करने के लिए, उन सारी चीजों को समेट कर हम लोग ये स्कूल के प्लेटफॉर्म पर लेके आए हैं, ठीक है। तो आप लोग ये फ्लो चार्ट बना लो, फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं अभी कि पोषक पदार्थ जो है वो जो हमारे शरीर में जो हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन, विटामिन, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील, ये सारी चीजें क्या होती हैं, कैसे होती हैं, उनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, और उनका क्या फ्लो चार्ट बनाने का हमारा सेंस होगा, ठीक है बेटा।